एक सवाल के जवाब में रवीज राजा ने कहा कि चीन को क्रिकेट में लेकर आ रहे हैं, क्या पाकिस्तान क्रिकेट की मुश्किलें चीन के आने के बाद कम हो जाएंगी या क्रिकेट इकोनॉमी बेहतर? व्यूअर्स इन पाकिस्तान एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वुड लाइक टू नो व्हाट डू यू कॉल क्रिकेट इन चाइनीज? क्रिकेट इन चाइनीज इज पानचो. ओके राइट, थैंक यू वेरी मच. जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की फंडिंग पे 50% चलता है और आईसीसी फंडिंग ये होती है कि वो टूर्नामेंट्स कराते हैं और उसके जो पैसे हैं वो अपने मेंबर बोर्ड्स में बांट देते हैं, और वो जो आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आती है. सो हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं, और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लेती कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कलैप्स भी हो सकता है. तो दोस्तों, आपने देखा पाकिस्तान के जब से रमीज़ राजा चेयरमैन बने हैं पूरी तरीके से इनका बिल्कुल एक नया चेहरा सामने आ रहा है. आपको पता होगा ये अपने YouTube में इंडिया में कमेंट्री भी कर चुके हैं. अजीब तरीके का बिल्कुल रिएक्शन आ रहा है. इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं कि इंडिया भारत जो है पाकिस्तान की क्रिकेट बर्बाद कर सकता है, मोदी बर्बाद कर सकता है, चीन को लाएंगे, पता नहीं क्या उलझुल बातें चल रही हैं. ये उलझुल बातें, तो चलिए वीडियो देखते हैं. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा. रमीज़ राजा का ये आज का ही बयान है, तो आप आगे देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया इस पे डिस्कस करती हुई. एहसास कमतरी में पड़ जाएं. वेस्टइंडीज के दौरे पाकिस्तान के लिए पुरउम्मीद है कि दौरा शेड्यूल के मुताबिक होगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया पर भी दबाव पड़ा है क्योंकि पाकिस्तान को न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की वजह से बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान हुआ है अब तक. एक सवाल के जवाब में रमीज राजा साहब का यह कहना था कि साफ सी बात है कि वर्ल्ड क्रिकेट में पैसा बोलता है. मेरी तजवीज है कि पाकिस्तान में वेस्टइंडीज, जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश की ट्राई सीरीज हो, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ताकत नजर आएगी. पाकिस्तान क्रिकेट इकोनॉमी बेहतर होगी तो आईसीसी फिर बात भी सुनेगा. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने भी पैसे बनाने हैं और आईसीसी को भी रेवेन्यू बनाकर देना है. एक सवाल के जवाब में रवीज राजा ने कहा कि चीन को क्रिकेट में लेकर आ रहे हैं, क्या पाकिस्तान क्रिकेट की मुश्किलें चीन के आने के बाद कम हो जाएंगी या क्रिकेट इकोनॉमी बेहतर होने का कोई चांस है? इस पर बात करेंगे. और दूसरी जानिब इंग्लैंड क्रिकेट टीम जो है वहां पर एक हलचल हुई है जी. अब वहां पर हुआ ये है कि पाकिस्तान के मनसूखी दौरे मनसूखी के दबाव के बायस इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आयन वाटमोर जो है वो मुस्ताफी हो गए हैं. बरतानवी मीडिया का यह कहना है कि आयन वाटमोर ने अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने से कबल ही ये इस्तीफा दिया है. इंग्लैंड के दौरे पाकिस्तान खत्म करने पर दुनिया भर से इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड तनकीद का निशाना बनता आ रहा है. क्या पाकिस्तान आईसीसी में पाकिस्तान को बेहतर मकाम दिलाने में नए चेयरमैन और पीसीबी की एफर्ट राइट डायरेक्शन में जा रही है, इस पर भी हम बात करेंगे जी. हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद याहिया हुसैनी साहब. बहुत शुक्रिया याहिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए. याहिया, ये आपसे कुछ देर पहले एक खबर हमें मिली है और वो खुशाइंद मालूम तो होती है लेकिन अब पता नहीं कितनी है. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड सीरीज का जल्द ऐलान होने जा रहा है, तो हमें ये बताएगा कि ये ऐलान जो होने जा रहा है तो ये सीरीज पाकिस्तान में ही होगी क्योंकि न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने के लिए तो पहले ही रमीज राजा साहब मना कर चुके हैं. बिल्कुल ठीक कहा आयशा आपने, न्यूट्रल वेन्यू पर हमें खेलने की जरूरत है भी नहीं और दो टोक और वाजे मौका होना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का. लेकिन आपने जो अभी बताया कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने इस बात का इंतजार दिया है कि वो मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान के साथ सीरीज खेल सकती है, दैट्स गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट. बट जहां तक आयशा बैन अल-अक़वामी क्रिकेट की वापसी के हवाले से बात है कि वेस्ट इंडीज की टीम ने पाकिस्तान का दौरा करना है और फिर आइंदा साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान आना है, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के इनकार के बाद ये दोनों दौरे अब इंतहाई अहमियत के हामिल हैं. रमीज हसन राजा साहब अपने तौर पर जरूर बात कर रहे हैं, रमीज हसन राजा साहब अपने तौर पर इन दौरों के खत्म होने की वजूहात जरूर बता रहे हैं, लेकिन मेरी अपनी जाती राय में कि हम टीमों को डेफिनेटली इनवाइट करें, उनके साथ हमारा एक बिल्कुल क्लियर कट स्टांस होना चाहिए कि आप हमारे मुल्क में खेलेंगे तो वेलकम, नहीं खेलेंगे तो हम आपके साथ नहीं खेलेंगे. लेकिन दूसरी तरफ मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूं और वो ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान सुपर लीग को एक बड़ा ब्रांड बनाना चाहिए, पाकिस्तान सुपर लीग को एक विंडो क्रिएट करके हर साल में जो है वो फाइनल कर देना चाहिए. यही पाकिस्तान क्रिकेट की मक्का है, यही पाकिस्तान क्रिकेट की पहचान है. सही है, सही है. अच्छा, ये जो आयन वाटमोर मुस्ताफी हुए हैं आज और कहा जा रहा है कि इंग्लैंड के दौरा पाकिस्तान खत्म करने के बाद बोर्ड पर काफी जो है वो तनकीद की जा रही थी, तो चेयरमैन साहब जो है वो इस प्रेशर में थे, तो किस हद तक जुड़ी हुई है दोनों बातें आपस? अच्छा देखें, उनका
मुस्ताफी होना और यूं अचानक अपने ओहदे को छोड़ देना बहरहाल एक बड़ी खबर तो है, और उससे बड़ी खबर ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा रमीज हसन राजा साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जो है इस खबर को ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर पेश किया और फिर उन्होंने इसको डिलीट भी किया। लेकिन इंग्लैंड की क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान मंसूख कर देना, जिस तरह माइकल होल्डिंग हो गए, माइकल एथेटन हो गए, उनकी खवातीन क्रिकेटर्स हो गई, उनके साबिक क्रिकेटर्स हो गए, उनके अखबार हो गए, उनकी मीडिया हो गया, जिस तरह उन्होंने आगे हाथों लिया है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को, आई थिंक के इंग्लिश एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के सरबरा इस चीज को आप प्रेशर के तौर पर इग्नोर नहीं कर सके, क्योंकि वाजे तौर पर यह बात सामने आई कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों को नहीं पता था कि जनाब पाकिस्तान का दौरा जो है वो खत्म किया गया है, और ये तने तनहा इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया। तो अच्छी बात है, दुनिया के लिए एक बड़ा पैगाम है ये है कि जनाब पाकिस्तान तो सबके साथ बड़े नेक नियती के साथ उनके मुफादात के लिए खड़ा रहता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा नहीं रहता, और एक गोरे ने इस बात के प्रेशर को महसूस किया और अपनी जगह छोड़कर चला गया। ये कामयाबी मैं कहूंगा पाकिस्तान क्रिकेट की। तो ये जो नई चीज सामने आ रही है और इंटरेस्टिंग भी लग रही है, या ये जो चाइना की टीम बनाने की बात हो रही है, तो क्या लगता है कि कितना सक्सेसफुल रहेगा ये वाला वेंचर और कितनी इम्पोर्टेंस हम बढ़ा सकते हैं चाइना को क्रिकेट में ला करके, और आईसीसी में हमारी वर्थ जो है वो कितनी बढ़ सकती है अगर ये सक्सेसफुली हो जाता है जिस तरीके से कहा जा रहा है? हाँ गालिबन आयशा जो बात कर रही हैं वो आज जो सेनेट की कायमा कमेटी बराए खेल में आज गुफ्तगू की है रमीज हसन राजा साहब ने, और उन्होंने बात किया कि पाकिस्तान क्रिकेट को मजबूत करना होगा, उन्होंने बात की कि जी हम दुनिया को एक मैसेज देंगे, चाइना को क्रिकेट में लेकर आएंगे, और चाइना के क्रिकेट में आने से जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट ही नहीं दुनिया की क्रिकेट में पैसा भी आएगा। मैं इसे ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि एक दीवाने का ख्वाब, मैं ये जरूर कहूंगा कि रमीज हसन राजा साहब एक फॉर्मर क्रिकेटर हैं, वो बातों के गुफ्तार के भी राजा हैं, और उन्होंने वक्तन फवक्तन इस बात को भी साबित किया है। देखिए चाइना की क्रिकेट में एंट्री अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए उनके पास खिलाड़ी भी होने चाहिए, इसके लिए उनके पास स्किलफुल क्रिकेटर्स भी होने चाहिए। शायद आपकी मालूमात में इजाफा हो, नहीं तो हम अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हैं, या पीसीबी सपोर्ट कर सकता है राइट? तो मेरा ख्याल है कि अगर इतनी ही पैसे के साथ और अच्छे कोचेस के साथ टीमें बन सकती हैं आयशा, तो मेरा ख्याल है कि सऊदी अरब की बड़ी ख्वाहिश है, अरब ममालिक की बड़ी ख्वाहिश है कि वो वर्ल्ड चैंपियन बने, लेकिन वर्ल्ड चैंपियन तो दूर की बात, वो 32 टीमों में हर 4 साल के बाद जो वर्ल्ड कप होता है हर साल क्वालिफाई कर नहीं पाते। अगर पैसों के बलबूते पर टीमें बनना शुरू हो जाती है, अगर पैसों की बलबूते पर आप अच्छे कोचेस से जो है वो कोचिंग ले लेते, तो मेरा ख्याल है कि ब्रुनाई दारुसलाम की क्रिकेट टीम आज बेहतरीन क्रिकेट टीम होती, सऊदी अरब की क्रिकेट टीम आज बेहतरीन क्रिकेट टीम होती, कोच आपको सिखा सकता है। नहीं तो क्या चाहिए, क्या चाहिए मतलब अगर चाइना की टीम हम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? देखिए आशा मैं आपको यही बता रहा था कि एक लंबे